हेलो फ्रेंड्स, मु प्रियंका आपण मानको माय टिप्स ओडिया यूट्यूब चैनल रे स्वागत करूछे। फ्रेंड्स, श्रावण मास रे भगवान शिवंकर पूजा पाठर विशेष महत्व रही थाए। एही मास रे लोके भोलेनाथंकर कृपा प्राप्त करबा पई व्रत रखी थांती, कोड़ी यात्रा रे जाई थांती, शिव लिंग को विशेष रूप रे सजाई थांती एवं समस्तंकर लक्ष्य शिवंकु खुशी कराइबा। कुहा जाए कि एही सबु रे जे शिवंकु खुशी करि दे शिव भगवान तार सब मनोकामना पूरण कर दिंती। किंतु कौन आपण जानी कि श्रावण मास रे किछि खास जिनिस को घर को आणिबा बहुत शुभ माना जाए। जदि आपण श्रावण मास रे एही जिनिस को घर को आणंती तो शिव भगवान खुशी होइ आपणकर सब मनोकामना को शीघ्र पूरण कर दिंती। एही सब जिनिस महादेव को अत्यंत प्रिय। फ्रेंड्स, भगवान भोलेनाथ भोला भंडारी से टिके प्रयास रे ही प्रसन्न हो जाती। जो व्यक्ति भगवान भोलेनाथंकर एही प्रिय वस्तु रु कोनोसी गोटिए वस्तु श्रावण मासरे निजर घर को नहीं आसे तो भोलेनाथ ताहार जीवन रो प्रत्येक समस्या को दूर कर दिंती। से ही व्यक्ति को पुणी केबे भी जीवन रे धनर कमी हुए नाही। भगवान भोलेनाथ तार मनपसंद बरदान दिंती। तो आसंतु फ्रेंड्स, जाणिनेबा एपरी क्यों वस्तु जहाँ को घर को आणिले भगवान भोलेनाथ बिना पूजा एवं व्रत रे ही प्रसन्न हो जाती। किंतु ता पूर्व फ्रेंड्स, आपण को अनुरोध कि वीडियो को लाइक शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स रे जय भोलेनाथ निश्चय लिखतु। तो एबे आसंतु जाणिबा महादेवंकर प्रिय वस्तु विषय। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम जिनिसटी हेला भस्म। भस्म भगवान भोलेनाथ को सबुठ अधिक प्रिय। श्रावण मास रे आपण शिव मंदिर रे भस्म नै पूजा थाली रे रखंतु। एही भस्म सह शिव पूजा करिबा द्वारा बहुत लाभ होई थाए। बळका थिबा भस्म को धन रखुथिबा स्थान रे बा आलमीरा रे रखि पारिबे। एहा द्वारा धन रो कमी केबे हुए नाही एवं भोलेनाथंकर कृपा रो सबु कष्ट दूर होई जाए। द्वितीय जिनिसटी हेला रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी शिवंकु अत्यंत प्रिय। मान्यता अच्छी कि साक्षात शिव एही रुद्राक्ष रे निवास करती। रुद्राक्ष को श्रावण मास रे घर को आणिले सुख सौभाग्य एवं समृद्धि रो प्राप्ति हुए। एहा छड़ा भोलेनाथ को कृपा रु जीवन रो केतेक समस्या रु मुक्ति मिली जाए। फ्रेंड्स, रुद्राक्ष एक प्रकार फल होई थाए। एहा को शिवंकर अंश बोली माना जाए। शिव पुराण रे कुहा जाय छि कि रुद्राक्ष रो उत्पत्ति शिवंकर अंगरु होई छि। जदि आपण रुद्राक्ष माला धारण करबा को भाबुछंती तो श्रावण मास एहा पै उत्तम। मान्यता अछि कि रुद्राक्ष को धारण कले एहा आपण को सब ग्रह रो अशुभ प्रभाव रु मुक्ति देबो एवं सुख शांति मध्य प्राप्त हेबो। जदि आपण दोमुखी रुद्राक्ष धारण करंती तो आपण आपणक परिवार लोकक मध्यरे संतुलन स्थापन करि पारिबे। आपण चाहिले गौरी शंकर रुद्राक्ष को पिंधि निजर वैवाहिक संबंध को बढ़ाई पारिबे। तृतीय जिनिस हैला गंगा जल। महादेव को जल एवं गंगा जल दुईटी जा पसंद। शिवलिंग उपरे केवल गोटे ढाल जल अर्पण कले शिव प्रसन्न हो जाती। गंगा जल महादेव को अत्यधिक प्रिय। गंगा को महादेव निजर मुंडरे विराजमान रखिछंती। एमितिरे जदि आपण श्रावण मासरे गंगा जल आनी ताकु शिव भगवान कर अभिषेक कराइबे तो आपण को तांकर आशीर्वाद प्राप्त हेबो। शिव भगवान आपण को घरे धनर वर्षा कराइबे। आपण को केबे आर्थिक परिस्थितिर सामना करबाको पड़बनी। टिके गंगा जल श्रावण मासरे आपणक पूजा घरे रखिबा उचित। परि कने भोलेनाथंकर आशीर्वाद सबुबळे रही थाए। चतुर्थ जिनिस हैला बेलपत्र। पौराणिक कथारे शिवलिंग पूजा रे बेलपत्रर महत्व को कुहा जाय छि। मान्यता अछि कि श्रावण मासरे शिवंकु बेलपत्र अर्पण कले प्रत्येक मनोकामना पूरण होइ थाए। किंतु जदि श्रावण मासरे बेलपत्र सहजरे न मिले तो आपण चांदीर बेलपत्र बने घर को आणंतु, ताकु शुद्ध करी शिव को अर्पण करंतु एवं श्रावण मास परे एहाकु आपण धन रखुतिबा स्थान रे रखि दियंतु। एही परि कले भगवान भोलेनाथंकर कृपारु घरे सुख समृद्धि बनी रही थाए एवं कार्यरे आसुथिबा असुविधा दूर होई जाए। पंचम वस्तुटी हैला पारद। पारद एवं शिवंकर एक खास संबंध अछि। कुहा जाए कि जदि श्रावण मासरे पारदर शिवलिंग को घर को आनी तार सबुदिन पूजा करा जाए अभिषेक करा जाए तो आपण को उपरे प्रत्येक प्रकार दोष समाप्त हो जाए।
एहा भी मान्यता अच्छी जो भक्त पारद शिवली पूजा करू थाए भगवान महाकाल तहार रक्षा निजे शिवलिंग घर को सुख शांति आनी थाए एथिरे घरे कौनसी भी बीमार रही नाही एवं धनधान्य वृद्धि होई थाए। षष्ठ जिनिष हैला त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथंकर अस्त्र। एहा सबुबेले भगवान भोलेनाथंकर सांगरे रहुथाए। त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाए कारण एहा तीनि लोक एवं त्रिदेवंकर प्रतीक माना जाए। भगवान भोलेनाथंकर सहित त्रिशूलर पूजा मध्य करा जाए। त्रिशूलर पूजा करिले नकारात्मक ऊर्जार नाश होइथाए एवं शत्रु सह लड़िबा पई शक्ति मिलिथाए। श्रावण मासरे तंबा पीतल किंबा चांदीर एक त्रिशूल आणंतु ताको पवित्र करंतु एवं भोलेनाथंकु अर्पण करंतु तार पूजा करंतु। पुणी एही त्रिशूल को आपणक घरर हॉल रे रखि दियंतु किंबा आपण आपणकर घरर अगणारे लगाई पारिबे घरर छातरे मध्य लगाई पारिबे। एही परि त्रिशूल रखिले भोलेनाथंकर कृपारु घरे जो नकारात्मक ऊर्जा थाए ताहा नष्ट होई जाए। घरे खराब शक्तिर प्रभाव कम होई जाए ता सहित शत्रु मध्य कम होंती। आपण चाहिले मध्य त्रिशूलर लकेटाणी ताकु भोलेनाथंकु अर्पण करी पुणी ताकु धारण करंतु। एपरी कले खराब शक्ति एवं नकारात्मक शक्ति ठारु एही लकेट आपणकु रक्षा करिबो आपणकु काहार खराब नजर लागिबनि तासह आपणकर किछि शुभ हेबो। सप्तम जिनिस हैला डमरू। शिवंकर डमरू एवं ताहार शब्द दुईटी जाक हिंदू धर्म रे बहुत महत्वपूर्ण माना जाए। पौराणिक कथा अनुसार डमरूर ध्वनि रे खराब शक्ति को दूर करा जाय पारे। घरे थिबा खराब शक्तिर नाश करिबाकु हेले श्रावण मासरे डमरू घर को आणंतु भोलेनाथंकु अर्पण करंतु एवं एही डमरू को सकाळ संध्यारे अवश्य बजांतु। एहीपरि कले घरे थिबा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होइ जाय। जदि कोनोसे पिला को डर लागुथाय तो आपण एही डमरू को सेही पिलार रूम रे रखि पारिबे। एहीपरि कले पिला को कोनोसे प्रकारर भय रहिबनि। अष्टम जिनिस नाग। महादेवंकर गड़े नागदेव विराजमान थांती कारण अच्छी कि हिंदू धर्म रे नाग पूजार अत्यधिक महत्व थाए। रूपा किंबा तंबार नाग श्रावण मासरे घर को आणंतु एवं एहाकु घरर मुख्य द्वारर आखपाखरे रखि दियंतु। आपण घरर भितरे थिबा मुख्य द्वारर आखपाखरे मध्य रखि पारिबे। जदि आपणकु चोरी हेबार डर थाए तो आपण एहाकु लुचेकी मध्य रखि पारिबे। रखिबा पूर्वरु आपण एहाकु पवित्र करिबे एवं एहार पूजा करिबे। एही नाग देवता आसिबाकु थिबा खराब शक्तिकु मुख्य द्वाररु हि घोडाइ दियंती। जदि आपण पितृदोष किंबा कालसर्प दोषरे पीड़ित तो श्रावण मासरे नाग नागुणीर चांदीर जोड़ी घर को आणंतु एवं एहाकु पवित्र करिकि भोलेनाथंकु अर्पण करि निज घरर मंदिर रे रखंतु। सबुदिने भोलेनाथंकर पूजा करिबा परे नाग नागुणी उपरे हळदी कुमकुम चढ़ाई एहार पूजा करंतु। पूरा श्रावण मासरे आपणकु एहार पूजा करिबा उचित एवं श्रावण मासर पूर्णिमा दिन एही नाग नागुणी जोड़ी को भगवान भोलेनाथंकर शिवलिंग उपरे रखंतु। शिवलिंग उपरे रखिबा पूर्वरु ताहाकु पंचामृत रे पवित्र करंतु एवं पितृदोष कालसर्प दोषरु मुक्त करिबा पई भोलेनाथंकु प्रार्थना करंतु। एहीपरि कले भोलेनाथंक कृपारु पितृदोष एवं कालसर्प दोष तुरंत ही दूर होइजाए। एही सबु जिनिस भोलेनाथंकर अत्यधिक प्रिय। भगवान भोलेनाथंकर कृपा प्राप्त करिबा पई श्रावण मासरे आपण एही सबु जिनिस मध्यरु केउबे गोटे जिनिस को घर को आणंतु।